यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेता है। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है, हमें इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स की पावर 4। तो ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का, तो फिर इसका सॉल्यूशन देखता है। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले ऊपर वाली जो टर्म है उसमें से कॉस एक्स को कॉमन ले रहा है, तो यहाँ पे कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स की पावर 4 बचेगा, ये डीएक्स। नीचे का जो है वही है, और यहाँ पे फिर साइन एक्स को टी रख रहे हैं। साइन एक्स को टी रखेंगे तो टी का स्क्वायर टी की पावर 4, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो कि 1 माइनस टी स्क्वायर होगा, एंड कॉस एक्स की पावर 4 को साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे। साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखने के लिए हम क्या करना, वो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ये यहाँ पे माइनस साइन आएगा, इसको माइनस कर लो। और ये 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ये माइनस साइन है, तो ये करेक्शन कर लिया। तो इसके लिए सॉरी, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। तो फिर इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर आएगा, तो ये 2 बन जाएगा। एंड ये माइनस का 3 टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4, इसको कर लेना। तो उसके बाद यहाँ पर हम क्या करने वाला है, यहाँ पर माइनस का टी स्क्वायर एंड प्लस का टी स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे 2 एंड माइनस 4 टी स्क्वायर को अलग डिवाइड कर देंगे, एंड जो टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर आएगा वो उसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इस 2 को माइनस 4 प्लस 6 लिख रहे हैं। इस 2 को हमने क्या लिख दिया, माइनस 4 प्लस 6 क्यों लिखा वो अभी पता चलेगा। तो यहाँ पे ये जो टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर है उसको टी स्क्वायर में मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। अब इसको इस वाली क्वांटिटी में और इसमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस वाली क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, क्योंकि माइनस को पूरा कॉमन लोगे तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 बाय टी स्क्वायर बचेगा, 6 को भी डिवाइड कर दिए इससे। और इस जो क्वांटिटी है डिनोमिनेटर वाली उसको ऐसे लिख सकता है, 1 बाय टी स्क्वायर माइनस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1, माइनस 4 बाय टी स्क्वायर प्लस 6 बाय टी स्क्वायर प्लस 2 बाय टी स्क्वायर बन जाएगा। एंड ये माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। 1 बाय टी स्क्वायर का माइनस 1 बाय टी होता है, एंड इसका टेन इनवर्स टी होता है। और फिर यहाँ पे टी की वैल्यू साइन एक्स है वो पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 2 बाई टी माइनस 6 टेन इनवर्स टी में टी की जगह साइन एक्स पुट करने पर आप सॉल्व कर लेना इसको, तो ये डिजायर्ड आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये टी बनेगा, 1 का इंटीग्रेशन टी होगा ये यहाँ पर, तो टी की जगह साइन एक्स पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ऊपर सबसे पहले यहाँ से कोस एक्स को मिल लिया, कोस एक्स को मान लेने के बाद यहाँ पर साइन एक्स को टी पुट किया, फिर इसको थोड़ा सॉल्व किया, फिर यहाँ पे हमने माइनस का टी स्क्वायर एंड प्लस का टी स्क्वायर किया, एंड उसके बाद इसको डिवाइड करने पे 1 हो गया। और फिर इसको थोड़ा और मैनिपुलेट किया, तो इसको हमें सिर्फ उस फॉर्म में लेके आना है, कहने का मतलब है जिसका इंटीग्रेशन अपन जानते हो, लास्ट में कुछ ऐसा करना है जिसका इंटीग्रेशन अपन जानते हो। तो इस फॉर्म में लेने के बाद इन सारी चीजों का इंटीग्रेशन जानते थे, तो इसको हमने सिंपली इस तरीके से कर लिया।